नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 10 जून 2021 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों बात करेंगे कि 70,000 से अधिक बैक छात्रों का क्या होगा, और उसके बाद डीएलएड तृतीय सेमेस्टर प्रमोट लेटेस्ट अपडेट क्या है, और प्रथम सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट कब तक जारी होगा। जी हाँ दोस्त, एक बात जरा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा थर्ड सेमेस्टर का प्रमोट है ना, वो प्रथम सेमेस्टर पर भी दोस्तों निर्भर करेगा। इसका रीजन क्या है कि 2018 बैच के छात्रों को जो प्रमोट किया गया था वो फर्स्ट प्लस सेकेंड के आधार पर। जी हाँ, मतलब प्रथम सेमेस्टर प्लस सेकेंड सेमेस्टर के आधार पर दोनों का जो भी दोस्त उनका औसत अंक बना उसी के हिसाब से उनको तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट किया गया। ठीक है, तो इस बात को जरा आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2021 सहारनपुर के लिए भी दोस्तों आवेदन शुरू हो चुका है। तो दोस्तों दिन प्रतिदिन लिस्ट मतलब इसमें ऐड होता जा रहा है जिलों के नाम, तो कमेंट बॉक्स में हम लिंक दे देंगे यूपी आंगनवाड़ी भर्ती का, तो आप चेक कर सकते हैं कहीं आपके जिले में तो आवेदन शुरू नहीं हो गया है, तो आप आवेदन करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आवेदन करने के लिए दोस्तों जो न्यूनतम योग्यता रहेगी वो 5वीं पास से लेके 10वीं पास तक के छात्रों को मौका मिलेगा। फिर दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आती है कि एनसीटीई ने सभी राज्यों को टेट वैलिडिटी लाइफ टाइम करने के लिए दोस्तों लेटर जारी कर दिया है। ठीक है, तो गाइस ये बड़ी अपडेट और इस लेटर को हम आपके सामने रख रहे हैं। ये दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या एनसीटीई मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद अगली अपडेट आती है कि 16 जून से खुल सकते हैं बेसिक शिक्षा के परिषदीय विद्यालय के ताले। जी हाँ दोस्तों, आप ये अपडेट को जरा देखिए, इससे फायदा आपको ये होगा कि आने वाले समय में डीएलएड छात्रों की इंटर्नशिप एक बार फिर से शुरू हो सकती है। अगर दोस्तों आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा तो थर्ड सेमेस्टर की इंटर्नशिप का कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर सीधे आपको फोर्थ सेमेस्टर की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक फिलहाल डीएलएड छात्रों को प्रमोट नहीं किया गया है। तो गाइस आपने कल एक अपडेट को देखा होगा कि लगभग 41 लाख से अधिक छात्र प्रमोट होंगे, वो दोस्तों था हमारा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, फाइनल ईयर के छात्रों का पेपर होगा लेकिन। ठीक है, और दोस्तों जो भी पेपर होगा उसको मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन के माध्यम से ओएमआर बेस कराने की तैयारी हो रही है। तो क्या आने वाले समय में डीएलएड का पेपर भी ऐसा हो सकता है? तो गाइस आप तैयार रहिएगा कि अगर डीएलएड का पेपर भी ठीक है मतलब बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित हो तो आप उसको अच्छे से कर सकें। और देखिए दोस्तों हमारे देश में क्या ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंडिंग इन इंडिया यूपी इलेक्शन 2022, इसका मतलब आप जरा समझिए, इसके बड़े मायने हैं इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं। तो दोस्तों आज सुबह सुबह इसका ट्रेंड करने का मतलब ये है कि आने वाले समय में नई शिक्षक भर्ती और दोस्तों ढेर सारी भर्तियां जल्दी आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, फिलहाल दोस्तों डीएलएड के बच्चे सिर्फ आप लोग जो 2019 बैच के छात्र हैं आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। उसके बाद जो और वैकेंसी आएगी, मान लेते लेखपाल की आती है या कुछ और आती है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको लेखपाल जैसी वैकेंसियों में मौका मिले तो दोस्तों आपको प्रारंभिक अर्हता परीक्षा या पीईटी 2021 को पहले पास करना जरूरी होगा। इसके दोस्तों ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं लेखपाल जैसी कुछ और वैकेंसियों में, देखिए पीईटी का मतलब होगा दोस्तों समूह ग। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप सी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आएंगी दोस्तों वो पीईटी के थ्रू ही जाएंगी। तो यूपी SSSC वाली जितनी भी वैकेंसियां रहेंगी जरा इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद कोरोना की दोस्तों एक खतरनाक अपडेट आपके सामने रखते हैं। 24 घंटे में दोस्तों हमारे देश में 6,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे केसेस की संख्या हमारे देश में कितनी थी, 93,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा दोस्तों बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। 24 घंटे में 6,138 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब तक हमारे देश में टोटल मरने वालों का आंकड़ा 3,59,000 को पार कर चुका है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी दूसरे राउंड का कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 6,000 से अधिक लोगों की जान जाना दोस्तों काफी खतरनाक इशारा है ये। ठीक है, तो अभी आप लोग सावधानी, ठीक है ऐसा ना हो कि दोस्तों सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी दोस्तों बरतते रहिए, नहीं तो गलती हो सकती है। ठीक है, 6,000 से ज्यादा लोग, ठीक है इस बार का दोस्तों सबसे ज्यादा या सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या कुछ यही है, 6,000। जी हाँ दोस्तों, जब कोरोना के केसेस काफी ज्यादा आते थे तब भी मामला लगभग कंट्रोल में था। देखिए दोस्तों, जब केसेस कम आ रहे हैं तब भी मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो ये थोड़ा खतरनाक है। ठीक है, सावधानी आपको रखनी है। तो कोरोना की अपडेट दोस्त ये हो गई हमारी।
और इस समय दोस्त हमारे यूपी में जो ट्रेंड हो रहा है वो चुनाव को लेकर दोस्तों ट्रेंडिंग पर ट्विटर पर आना शुरू हो चुका है। उसके बाद दोस्तों ये बड़ी खुशखबरी थी, ठीक है, जो लोग चाहते थे टेट लाइफ टाइम हो जाए उनके लिए बढ़िया खुशखबरी है, लेकिन गाइस अगर आप लोग यूपी टेट का पेपर बार बार देंगे तो यही होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी। जी हाँ दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के अगर आप सीधे सुपर टेट पर उतर गए ना तो वो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो सकता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, मान लेते दोस्त अगर आपने यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा 2019 में पास कर लिया आपने, लेकिन दोस्तों 2020 में कोई टेट का पेपर आपने नहीं दिया, 2021 में नहीं दिया, या 2022 में अगर सीधे सुपर टेट में बैठेंगे तो थोड़ी सी मुश्किलात आपके लिए हो सकती है। तो जितना टेट का पेपर आप देंगे, एक तो उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी और दोस्तों टाइम का मैनेजमेंट आप अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए अपडेट क्या है कि राजधानी में मार्च के मध्य से बंद चल रहे बेसिक शिक्षा के पर्षदीय विद्यालयों के ताले 16 जून से खुल सकते हैं। कोरोना की तीव्रता को देख शिक्षकों को भी विद्यालय आने से मना कर दिया गया था, लेकिन अब शिक्षकों का मानना है कि 16 जून से उनको विद्यालय जाने को निर्देशित किया जा सकता है। हालांकि विभागीय अधिकारी इसे लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। शिक्षकों के अनुसार अब संक्रमण काफी कम हो गया है और शहर पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है। वही दोस्तों इस शीतकालीन अवकाश लागू होने से ग्रीष्मकालीन अवकाश में 15 दिनों की कटौती कर दी गई है। इसे देखते हुए 16 जून से शिक्षकों के लिए विद्यालय खुल सकते हैं। शिक्षकों के अनुसार विद्यालय बंद होने से बच्चों को टीसी जारी करना, पंजीकरण कराना समेत अन्य प्रशासनिक कार्य करने में बाधा आ रही है। लेकिन दोस्तों इस बात को भी जरा हमें भूलना नहीं चाहिए कि 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ठीक है, ये खाली कहने को है कि कोरोना कम हो रहा है, लापरवाही मत करिएगा गाइस, नहीं तो फिर आपके सामने सारी चीजें हैं। ठीक है, कोरोना के दोस्तों तीसरी लहर भी आने वाले समय में हो सकता है, आ सकती है, उसकी सावधानी हमें अभी से करनी है। अब चलिए कुछ और बड़ी अपडेट को जरा देख लेते हैं। डीएलएड तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा की तारीख 2021 की लेटेस्ट अपडेट क्या है और डीएलएड स्कूटनी रिजल्ट 2021 कब तक जारी होगा? सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग डीएलएड तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर और दोस्तों बैक पेपर परीक्षा की तारीख। एक बात और इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा की तारीख को भी दोस्तों ऐड किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर इन केस फर्स्ट सेमेस्टर का सारा पेपर होता है, मतलब 8 के 8 विषयों का पेपर होगा, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हो सकता है कि उस समय फर्स्ट के साथ साथ आपका थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर करा लिया जाए। ठीक है, देखिए अभी संभावनाएं ढेर सारी बन रही है, तो आप लोग की परीक्षा की जो तैयारी है ना वो बेहतर तरीके से होनी चाहिए। एक गलती और उसका दोस्तों फिर दिक्कतें आपके लिए आ जाएंगी। ठीक है, अभी देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक दोस्तों इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि 70,000 से अधिक बैक छात्रों का क्या होगा। देखिए दोस्तों उस दिन पीएनपी ने दो प्रस्ताव भेजे थे सरकार के पास या शासन के पास। एक तो था दोस्तों यूपी टेट का जो आवेदन होगा वो 15 जून के आसपास से शुरू हो जाएगा। दूसरा दोस्त यही था कि जिन बच्चों के भैया बैक वैक लगी है उनका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कराया जाए या दोस्तों उन बच्चों को औसत अंक के आधार पर पास कर दिया जाए। ठीक है, ये प्रस्ताव था उस दिन। अभी तक दोस्तों जिस दिन देखिए यूपी टेट का हमारा क्लियर हो जाएगा, हो सकता है कि उसी दिन डीएलएड प्रमोट मुद्दा भी हमारा क्लियर हो जाए। अभी तक दोस्तों ऑफिशियल अपडेट या ये कहा जाए दोस्तों कि कैसे, मतलब ये आपको प्रमोट करेंगे, कौन सा औसत अंक निकालेंगे, ठीक है, अभी इस पर अपडेट नहीं आई, तो फिलहाल अभी आप लोग सब्र करिए, जैसे ही अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो बैक अगर आपकी बैक वैक लगी तो आप लोग परेशान मत होइए, लेकिन हाँ एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जितने बच्चों की बैक लगी है ना दोस्तों हो सकता है कि ये आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं करेंगे। सोचिए दोस्तों जब ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर ही फंसा दे रहे हैं कि बच्चे मतलब बिल्कुल मानसिक तौर पर नहीं होता है कि परेशान हो जाए, तो ठंड की तो उम्मीद ही मत करिए। तो आप लोग गाइस फोर्थ की तैयारी भी बाद में करिएगा, जितने बच्चों की बैक है वो थर्ड सेमेस्टर की ही तैयारी करें और अपना फर्स्ट भी देखते रहेंगे बीच बीच में अगर कुछ टाइम मिले रिवीजन करने का तो। ठीक है, बाकी गाइस जिन बच्चों की भैया बैक वैक नहीं है, जो सेकेंड सेमेस्टर में पूरी तरीके से पास है, जिनके रिजल्ट में पास लिख के आ रहा है, वो फोर्थ की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पास हुए बच्चों को दोस्तों प्रमोट करना काफी आसान होता है, लेकिन फेल छात्रों को प्रमोट करने में दोस्तों दिक्कतें आती है। अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पर अपना अभियान जारी रखिएगा। आज हमारी 10 तारीख है, लेकिन आपको बता दें कल 11 जून को, ठीक है, 11 बजे से नए शिक्षक भर्ती मांग को लेकर दोस्तों ट्विटर पर फिर से एक बार अभियान शुरू होने जा रहा है, तो उसमें देखिएगा लाखों छात्र फिर से पार्टिसिपेट करेंगे। और देखिए दोस्तों नई भर्ती अगर जल्द से जल्द आ गई तो डीएलएड 2019 का पूरा बैच बाहर होगा। देखिए गाइस अगर आप बाहर हुए तो इसका सीधा से मतलब यही है कि आने वाले कुछ सालों तक आप नौकरी नहीं पा पाएंगे। मौका मिल गया नई भर्ती में तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको मौका नहीं मिला तो सालों साल आप बेरोजगार रहेंगे। ठीक
ठीक है, अगली वैकेंसी दोस्त आने में कम से कम नहीं तो 2 से लेकर 3 साल का समय लगेगा, और किसी भी वैकेंसी को पूरा होने में कम से कम नहीं तो 2 साल तक का समय लग जाता है। तो गाइस अगर 3 साल में अगली वैकेंसी आएगी, 2 साल में पूरी होगी, तो भैया 5 साल ऐसे ही हो गया, इस बात को आप समझ लीजिए। अब 2021 के अंत तक हो सकता है कि नई भर्ती हर हालत में आ जाए, ठीक है, 2022 नहीं जाएगा, 2021। अगर आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर होगा, इस बात को जरा लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर दोस्तों डीएलएड छात्रों का थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा 19 बैच का, तो गाइस फिर आप लोग नई भर्ती से बाहर हो ही जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपने देखा थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा, फिर दोस्तों स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा, फिर स्कूटनी एक रिजल्ट आएगा, फिर जाकर दोस्तों आपका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होगा, तो काफी ज्यादा लंबा समय लगेगा। अगर थर्ड सेमेस्टर में छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, तो भैया फोर्थ सेमेस्टर छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी, 2018 बैच और 17 बैच, जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 40,000 से ज्यादा बच्चे फेल हुए थे अभी फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट में, तो प्रमोट करने से फायदा ये होगा कि सीधे फोर्थ का पेपर होगा, तो दोस्तों जितने बच्चों की बैक वैक लगी है ना, वो सीधे बच्चे अपना फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देके अपना भैया रिजल्ट क्लियर करा लेंगे, ये फायदा इन छात्रों को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, और सोशल मीडिया पर दोस्तों हमारा अभियान लगातार जारी है, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द बड़ी खुशखबरी मिलेगी।